नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में अर्थिंग करवाना क्यों जरूरी है और अर्थिंग करवाने से क्या क्या फायदा होगा, और साथ साथ आपको बताएंगे कि अर्थिंग करवाने में आपके यहाँ कितना कॉस्ट आएगा, मतलब कितना उसमें खर्चा आएगा। तो गाइज क्या होता है कि आप देखते होंगे जब आपके घर में वायरिंग होता है तो 20,000, 50,000, 60,000 का उसमें खर्चा आता है। आपके घर में जितना वायरिंग का कॉस्ट आ रहा है उसमें आप 5% और प्लस कर लीजिए, उतने में आपका अर्थिंग हो जाएगा। गाइस क्या होता है कि अर्थिंग करवाने के लिए आपको बहुत विशेष चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए विद्युत सुचालक इक्विपमेंट, यानी जो है आप मान के सकते हैं 6 फीट का आपको जो है कॉपर का रॉड। अगर आपको कॉपर का रॉड महंगा लग रहा है तो आप एल्यूमिनियम का रॉड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर लोहे का रॉड, मतलब 6 फीट का जो है लोहे का राड ले लीजिए, एल्युमिनियम का राड ले लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉपर का राड लीजिए। तो अर्थिंग में बस इतना ही है, एक आपको राड लेना है 6 फीट का कॉपर का, उसके बाद 2x2 का उसमें राड डालने के लिए गड्ढा कर लेना है, उसके बाद जो है आपको जो है कोयला नमक उसमें डाल देना है, उसके बाद जो है उसको प्लास्टर कर देना है, उसमें बाद 2 नट लगेंगे और उसके बाद जो है आपका वायर लगेगा आपके घर के हिसाब से, उसका कितना डिस्टेंस है, कहां कहां तक वायर जाएगा, यही टोटल अर्थिंग में खर्चा है। यानी जितने का आपका वायरिंग आएगा उसमें 5% भी नहीं लगने वाला है, मान के चलिए मुश्किल से 5 से 6 हजार के बीच में आपका अर्थिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अर्थिंग करवाने से क्या फायदा है अब आपको वो मैं बता देता हूं। गाइस क्या होता है कि आप देखते होंगे आपके घर में जो हैवी इक्विपमेंट हैवी प्रोडक्ट है, जैसे आप मान के चल सकते हैं कि जो प्रेस हो गया, आपका मिक्सर हो गया, आपका जो है आयरन हो गया, आपका हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, इंडक्शन चूल्हा हो गया, या कोई भी इक्विपमेंट पानी का मोटर हो गया, इसमें जो प्लग लगते हैं, मतलब जिसको आप प्लगिंग करते हैं बोर्ड में, क्या आप कभी सोचते हैं वो 3 पिन का ही क्यों होता है, क्यों, और वो 3 पिन में एक ऊपर वाला पिन मोटा क्यों होता है। और साथ साथ आप ये भी देखते होंगे कि बहुत बार क्या होता है कि आपका जो सॉकेट है, सॉकेट में जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके पीछे लोहा क्यों लगा रहता है, उसके पीछे ब्रास क्यों लगा रहता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैक्सिमम घर में क्या होता है इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, अर्थिंग नहीं करवाते हैं तो वैसे पड़ा रहता है, लेकिन क्या है उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। हमेशा क्या होता है गाइस, आप देखते हैं कि जो आपके घर में पोल से सप्लाई आता है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक पोल है वहां से जो सप्लाई आता है उसमें 2 वायर का आता है, उसमें क्या होता है गाइस, एक आपका न्यूट्रल होता है और एक आपका फेज होता है। तो गाइस क्या होता है कि आपके घर में न्यूट्रल और फेज का सप्लाई आता है, बाय द वे किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए आप आयरन कर रहे हैं या आपके घर में मिक्सर चल रहा है, मोटर चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो क्या होगा किसी भी कारणवश अगर न्यूट्रल और फेज आपस में टच हो गए, मतलब 2 वायर आपस में टच हो गए, तो उस समय क्या होगा घर में शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है, और शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके बाद क्या होगा आपके घर में आग लगने का चांस रहता है। आपका जो इक्विपमेंट है, मतलब मान के चलिए टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, बल्ब, जो छोटे वाट के प्रोडक्ट हैं वो तो तुरंत फ्यूज हो जाएंगे, वो तो तुरंत खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, जो हैवी इक्विपमेंट है वो भी जलने का चांस रहता है। तो उसी वजह से आपके घर में अगर अर्थिंग रहेगा, अगर गाइस क्या होगा कहीं भी फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप अर्थिंग कराए रहेंगे तो तुरंत जो है आपका जो है MCB गिर जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ऑलरेडी हमने MCB लगा के रखा है तो MCB वैसे भी गिर जाएगा, वैसे नहीं गिरेगा, कारण है फेज से जब सप्लाई जाता है, एक तार का आपका मान के चलिए फेज से सप्लाई गया वापस न्यूट्रल से आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, मान के चलिए रनिंग कंडीशन में आपका पानी वाला मोटर जो है आपके घर पे लगा है वो जाम हो गया, रुक गया, मतलब सप्लाई आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा। मान लीजिए एक भीड़ है, एक सड़क है, उस पे लोग आ रहे हैं लेकिन आगे ब्लॉक है, जा नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या है एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। कैसे आप बहुत बार देखते होंगे कि इस तीर्थ यात्रा में बहुत अधिक जो है भीड़ हो गया था, इस मंदिर में भीड़ हो गया था, गांव में भीड़ हो गया था और लोग निकल नहीं पाए तो वहां पे एक्सीडेंट हो गया, भगदड़ मच गया। तो यहां पे भी क्या है, जितना सप्लाई है उतना न्यूट्रल
के माध्यम से निकल नहीं पाएगा, उस कंडीशन में भी शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है। अगर मान के चलिए आपके घर में 25 एम्पियर का आपने एमसीबी लगा के रखा है, लेकिन आपका जो फॉल्ट है एमसीबी कब ट्रिप होगा, मान के चलिए आपका 25 एम्पियर का एमसीबी है और सी टाइप का एमसीबी है, तो उसमें जब उससे 3 गुना अधिक सप्लाई होगा तब एमसीपी ट्रिप करेगा। मतलब जो है उसमें उससे 3 गुना अधिक धाराओं का प्रवाह होगा, उसके बाद वो एमसीबी ट्रिप करेगा। लेकिन गाइस मान लीजिए आपका जो धारा प्रवाह है वो उतना नहीं है, उससे कम है, तब तो एमसीबी ट्रिप नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप अर्थिंग करवा के रखेंगे, आपका पंखा जो है ऊपर चल रहा है और अगर वो रुक गया, उसका बैरिंग जाम है, या किसी भी कंडीशन में आपके घर में मान के चलिए आपकी माँ बहन बीबी कोई भी मिक्सर चला रही है, अंदर से वायर टूट गया, अंदर से उसमें कुछ हो गया और वहां पे अर्थिंग और फेस आपस में टच हो गए, उस समय वहां पे करंट आने का चांस रहता है। मान लीजिए कोई टच कर गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आदमी के अंदर शॉक लगने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप जो है वहां पे अर्थिंग करवा के रखेंगे तो क्या होता है कि आपका तुरंत जो है अर्थिंग को इनपुट मिलेगा और तुरंत आपका एमसीबी गिर जाएगा, आप कितना भी एम्पियर का एमसीबी लगा के रखें, तो ये उससे फायदा है। ये देखिए ये आपका प्रेस का लीड है, मतलब प्रेस का वायर है, तो इसमें जो ये 3 पिन दिए हैं तो आपको वही मैं दिखाना चाहता हूं, ये 3 पिन में ये पिन क्यों मोटा रहता है, मतलब एक ऊपर वाला पिन मोटा क्यों रहता है। हमेशा आप ध्यान देंगे जो ये 3 पिन है इसमें जो दाहिने साइड का ये नीचे वाला पिन है ये आपका हमेशा फेज का होता है, और जो है बाएं साइड का जो है वो आपका जो है न्यूट्रल का होता है, और ऊपर वाला जो है अर्थिंग का होता है। और अर्थिंग वाला मोटा क्यों होता है, मोटा इसलिए होता है गाइस कि किसी भी कंडीशन में चलिए जब आकाशीय बिजली गिरेगा तो सबसे अधिक अटैक कहां करता है, पोल पे करता है, पोल पे करेगा तो उसके माध्यम से आपके घर में आ जाएगा। क्या होता है आपके घर में जो सप्लाई आता है उससे हजारों गुना अधिक उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, तो भैया जब उतना अधिक वोल्टेज बढ़ गया तो उसको निकलने के लिए भी तो उतना अधिक जगह चाहिए। इसीलिए हमेशा जो अर्थिंग वाला 3 पिन में जो ऊपर वाला पिन दिया रहता है वो हमेशा मोटा रहता है कि भैया अगर किसी कारणवश से आपके घर में जो है सप्लाई अधिक हो गया, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी अधिक पावर जनरेट हो जाता है, अधिक सप्लाई आ जाता है, उस समय निकलने के लिए भी जगह अधिक होना चाहिए, उसके कारण से भी ये मोटा होता है कि यहां से फटाक से आपका जो है निकल जाए, जहां पे आप अर्थिंग किए वहां से आपका जो है अर्थ को मिल जाए। आप देखेंगे आपको जितने भी हैवी इक्विपमेंट है, हैवी प्रोडक्ट है, उसमें 3 पिन का ही प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं आयरन का जो है वायर हमने लिया, इसमें 3 वायर निकला रहता है, उसमें आप देख सकते हैं ये 3 वायर में आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये इसमें 3 कलर का दिया है, इसमें ये देख सकते हैं एक रेड कलर है, एक आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर है, ये आपका जो है एक ग्रीन में है, हरा में है, ये 3 कलर का है, लाल काला हरा। अब इसमें जो गाइस लाल कलर का होता है ये आपका फेज के लिए होता है, इसमें फेज का सप्लाई होता है, और जो काला कलर होता है गाइस इसमें न्यूट्रल का सप्लाई होता है, और जो है ये आपका हरा कलर है ये आपका अर्थिंग के लिए प्रयोग होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है घर में लोग हरा कलर का आपका इन्वर्टर में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है इन्वर्टर के लिए आपको सफेद कलर का वायर का प्रयोग करना चाहिए। जो एक कलर आप सोचते होंगे वायर में इतना अधिक कलर क्यों होता है, उसका यही कारण है कि हमेशा रेड का फेज में प्रयोग करना है, ब्लैक को न्यूट्रल में करना है, और जो है जो ग्रीन कलर का वायर है जो ऑलरेडी इसमें लगा रहता है ये अर्थिंग के लिए करना है, जो सफेद कलर का है उसको आप इन्वर्टर की सप्लाई के लिए प्रयोग करिए। कंपनी आपको सॉकेट में 3 पिन में आपका अपना कॉस्ट लगा के दे रही है और आप उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे पास रखा हुआ है कुछ खाने के लिए लेकिन हम खा नहीं रहे, कि हमारे पास कंपनियां हमको प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हम उसका जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि हम आपको होना चाहिए कि भैया हम अर्थिंग जरूर करवाएं, और अर्थिंग करवाते समय हमेशा आपको ध्यान देना है आरसीसीबी का प्रयोग करें। गाइस क्या है हमने जो है एमसीबी पे एक वीडियो बना के रखा है, अगर आप एमसीबी कितने टाइप का होता है, एमसीबी कौन से टाइप का आपको घर में लगवाना चाहिए, उसका लिंक हम नीचे अटैच कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। और गाइस जब आप अर्थिंग करवाएंगे तो आपको एक आरसीसी भी लगवाना है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर लगवाना है, उसका भी बेनिफिट बहुत होता है। बहुत बार क्या होता है लोग जो है आरसीसी भी लगवा लेते हैं लेकिन जो है अर्थिंग नहीं करवाते, अर्थिंग में बहुत कॉस्ट नहीं आता है, बहुत लिमिटेड कॉस्ट आता है, तो आप अर्थिंग जरूर करवाइए, अर्थिंग से बहुत बेनिफिट है। और गाइस कभी आप देखे होंगे कि आपके घर में जो सॉकेट आता है उसमें क्या है, आप कभी टेस्टर से चेक करिए, यहाँ पे टेस्टर लगाने के बाद जलता है,
वो समझ लीजिए फेज है, और जहां पे नहीं जलता है वो आपका न्यूट्रल है। बहुत बार क्या होता है गाइस, घर में लाइट खराब है तो दोनों जगह आपका जो सॉकेट है वहां पे टेस्टर को लगा के देखते हैं तो बोलते हैं भैया एक में लाइट आ रहा है, एक में लाइट नहीं आ रहा। भैया लाइट एक में ही आता है, करंट एक में ही सप्लाई होता है, सिर्फ फेज में, न्यूट्रल में सप्लाई नहीं होता है। और गाइस और एक चीज का और भी अर्थिंग कराने से आपको फायदा है, यह फायदा है कि मान के चलिए आपके घर में दो टाइप का सप्लाई आता है जो है पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से, फेज का और न्यूट्रल का। बाय द वे किसी कारणवश आपके घर में न्यूट्रल का वायर कट गया है, न्यूट्रल का सप्लाई बंद हो गया, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने सॉकेट में जो आपका सॉकेट है जिसमें न्यूट्रल का सप्लाई आया है उसको क्या कर देना है, आपको जो है वहां एक सप्लाई देने के बाद, मतलब एक न्यूट्रल में सप्लाई दे देंगे और उसका एक सप्लाई जोड़ देंगे आप जो है अर्थिंग में, जो है जो मोटा वाला रहता है वहां ले जाके उसको ज्वाइंट कर देंगे तो आपके घर का बिजली चालू हो जाएगा गाइस। ये लेकिन आप छड़ी करिएगा, जैसे ही आपका इलेक्ट्रीशियन आ गया उसके बाद जो है वापिस उसको सही करवा लीजिए और वहां से उसको हटा लीजिए। क्या होता है अर्थिंग में जो जाता है, अर्थिंग का जो सप्लाई होता है, जो अर्थ में सप्लाई होता है गाइस, वो आपका जीरो होता है, मतलब वहां पे जीरो वोल्टेज का सप्लाई होता है। न्यूट्रल में भी जीरो होता है, अर्थिंग में भी जीरो होता है, तभी तो जो है आप देखते हैं विद्युत सुचालक में कभी भी लाइट मारता है तो डायरेक्ट जो है जीरो की तरफ जाता है, मतलब 220 वोल्टेज का सप्लाई है तो तुरंत जो है आपका वो शरीर में जाएगा, फिर वो जो है जमीन में जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे इलेक्ट्रीशियन जो है या मिस्त्रियां, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो वायर आया है मतलब जो सप्लाई है बोर्ड में, वायरिंग करते समय आपको दिखाएंगे कि देखिए हमने पकड़ लिया और हमको करंट नहीं मार रहा है। करंट कैसे मारेगा भैया, वो जो है आपका दो वायर आया है उसमें उन्होंने फेज का पकड़ लिया और फेज आपके सप्लाई में चालू है लेकिन कहीं भी वो फेज जा नहीं रहा है, मतलब न्यूट्रल उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो है उसने नीचे चप्पल पहना है या तो फिर प्लास्टिक पे खड़ा है या सूखी लकड़ी पे खड़ा है, ये सब विद्युत के कुचालक हैं। गाइस आज हम आपको बताएं कि अर्थिंग करवाने से क्या फायदा है, तो आप जो है अर्थिंग करवा सकते हैं और अर्थिंग के बहुत अधिक बेनिफिट हैं। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।